डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक जेई बाय ओनली एनसीईआरटी, यानी कि आप कैसे जेई मेंस और कुछ हद तक जेई एडवांस को भी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के क्रैक कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्रैक जेई बाय ओनली एनसीईआरटी। आज हम इसके आपको जो प्रोसेस फॉलो करना है, आज हम उसके बारे में पूरा डिटेल में बात कर रहे होंगे और ये आप कैसे कर सकते हैं और कैसे आपको प्रोसेस फॉलो करना है। पूरे दो साल की प्रिपरेशन, या जो आपका एक साल की प्रिपरेशन अभी बची है उसमें आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, तो आज हम उसको डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए पूरी पीडीएफ तैयार की है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है रीड थॉरली। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि क्या कह रहे हो भैया, सिर्फ एनसीईआरटी को रीड थॉरली, मतलब ध्यान से पढ़ना है एनसीईआरटी को, ये तो हमें भी पता है, कुछ डिफरेंट बताओ। तो फिर अब मैं आपको बताता हूं अब उसमें क्या आता है, पॉइंट्स मार्क्ड इन डायग्राम्स। एनसीईआरटी में अगर आपने कभी देखा हो, केमिस्ट्री में स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में जो है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको कई बार स्ट्रक्चर्स दिए होते हैं या फिर कुछ फ्लो चार्ट्स दिए होते हैं या फिर कुछ पॉइंट्स डार्कन्ड होते हैं, उसमें से आपके जेई मेंस और कई बार जेई एडवांस आईआईटी ने भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। डायरेक्ट मींस डायरेक्ट एग्जैक्ट वही लाइंस के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। हाँ, ऐसा हुआ है और ऑलमोस्ट हर साल ही होता है। आपके जेई मेंस का काफी सारा पार्ट जो है, अप्रोक्सीमेटली 40-50% पार्ट जो है, आप एनसीईआरटी से ही सिर्फ क्रैक कर सकते हैं इजीली। स्पेशली केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 70% प्लस जो पेपर है आपका, वो आपका एनसीईआरटी से ही आता है। और पिछले एक दो सालों से जब से एनटीए पेपर बना रहा है, वो और भी ज्यादा इजी हो गया है और भी ज्यादा परसेंटेज ऑफ पेपर आप सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्रैक कर सकते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस इतनी हो जाती है। आपको छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है, स्पेशली जो टेबल्स और चार्ट्स दिए हुए हैं, डायग्राम्स में पॉइंट्स मार्क्ड है और कुछ कई बार पॉइंट्स एनसीईआरटी ने डार्कन किए होते हैं। फिर एक आती है, जब मैंने आपको कहा एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी की सिर्फ चार केमिस्ट्री की, चार फिजिक्स की और दो मैथ्स की बुक्स ही नहीं होती, इसके साथ छह बुक्स आपकी तीन क्लास इलेवेंथ की तीनों सब्जेक्ट्स की और तीन क्लास ट्वेल्थ की तीनों सब्जेक्ट्स की आपकी एग्जाम्पलर की भी इंक्लूड होती है। हाँ बिल्कुल, मेनी जेई मेंस क्वेश्चंस एंड सम ऑफ एडवांस्ड आर आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम इट। आपके एग्जाम्पलर के कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम्पलर के ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस जो है वो आपके मेंस लेवल को टच कर रहे होते हैं, तो मेंस उसमें से हर साल पूछा जाता है। आप एक सिंपल सी बात सोचिए, गवर्नमेंट का एग्जाम है, गवर्नमेंट एनटीए से कंडक्ट कराता है, तो सीबीएसई की जो बुक है, ऑफिशियल जो बुक है, उसी में से ही तो वो भी पेपर डालने की कोशिश करेंगे ताकि सभी बच्चे जो है उनको इक्वल एडवांटेज मिल पाए, और जो वीक बैकग्राउंड से भी है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी मार्क्स आने चाहिए, इसलिए वो एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड ही पूरा पेपर रखते हैं। तो इसलिए आपको एग्जाम्पलर अगर आपने कर ली, तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आप अप टू 60-70% आप मेंस का पेपर इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपके टॉप रैंक लाने में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आप सिर्फ इतना ही सॉल्व कर ले, तो यानी कि आप 180-210 मार्क्स का मेंस का पेपर सिर्फ आप एनसीईआरटी की जो स्कूल के लिए बुक होती है और एग्जाम्पलर की जो बुक होती है, आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। है ना कमाल की बात, यही होती है हिडन बातें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी इसी बात पे। थर्ड पॉइंट आता है, डोंट जस्ट ओवरव्यू, डिग डीप। यानी कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ उसे रीड ही नहीं करना है, बल्कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, तो फिर आपको उसके बारे में थोड़े से देर सोचना है। फॉर एग्जाम्पल वो फिजिक्स का पैराग्राफ है,
तो फिर आपको उसके लिए थोड़ी विजुअलाइजेशन करनी है, थोड़ी फील डेवलप करनी है, और फिर जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पे हो रही होगी। ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि कई बार बच्चे मिस कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा भी है, व्हेनेवर यू रीड अ टॉपिक थिंक अबाउट इट फॉर सम टाइम टू डेवलप अ हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग इन इट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब ध्यान रखिए कि जो आपके मेंस में क्वेश्चंस आने वाले हैं, स्पेशली एडवांस में क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम होंगे। जैसे आपके एग्जाम्पलर के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, या फिर अगर आपने कभी कोचिंग मटेरियल को देखा होगा उसके क्वेश्चन जैसे होते हैं, तो वो डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि सिलेबस आपका वही सेम है जो आप अब तक पढ़ते आए हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा वो डीप थिंकिंग आपको करने को मजबूर कर देते हैं, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स प्रैक्टिकल सिचुएशंस पे टारगेट करते हैं ज़्यादातर। क्योंकि आप फॉर एग्जांपल कल को NIT या IIT में जाएंगे, तो उधर आपको कैसे सिचुएशंस को टैकल करना होता है, वैसे ही शुरुआत में ही ये एग्जाम आपको ट्रेनिंग दे देता है। तो उसके बाद आते हैं फैक्ट ऑफ फॉर्मूला शीट्स की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं इस पे एम्फसाइज नहीं कर सकता अभी। फैक्ट ऑफ फॉर्मूला शीट्स जो है वो आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन पे इतना ज्यादा हेल्प कर सकते हैं कि आपसे जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा भी होगा, अगर उसको लास्ट मोमेंट पे वो फॉर्मूला भूल गया और आपको फॉर्मूला याद है, तो आप शायद उस क्वेश्चन को कर ले और वो नहीं कर पाएगा। ये इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है, और फैक्ट ऑफ फॉर्मूला शीट्स आप अभी उसका शायद इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाए, लेकिन जब 1-1.5 ईयर के बाद आपका फाइनल एग्जाम का पेपर होगा और एक दिन पहले आपको चैप्टर का कोई फॉर्मूला याद नहीं आएगा, तो आप सारी बुक्स खोल के नहीं देख सकते, आपके पास एक फॉर्मूला शीट होगी जिसे आप खोल के उसका फॉर्मूला याद कर पाएंगे। ऐसे केसेस में ये आपको हेल्प करता है। फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ JEE। हमने ट्रेंड एनालिसिस किया पूरे JEE के पेपर्स का, और फिर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स के लगे, फ्लूइड्स, थर्मो, मॉडर्न फिजिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, SHM, वेव्स। इसमें जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स है आपके क्लास 11th के है, और मॉडर्न फिजिक्स क्लास 12th का है। ये जो है बिल्कुल स्कोरिंग चैप्टर्स है, और अगर आपने ये भी कर लिए तो आपका 30-40% पेपर को ये कवर अप कर देते हैं, और इसमें टाइम आपका ओवरऑल JEE प्रिपरेशन का सिर्फ 10% टाइम से भी कम लगता है। केमिस्ट्री पूरे क्लास 11th की इनऑर्गेनिक, क्लास 12th की ऑर्गेनिक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और बायोमोलिक्यूल्स। ये क्या कह दिया, ओ सारे ही वैसे टॉपिक्स जिनमें याद करना होता है, हमें तो उल्टा इसी में प्रॉब्लम आती है। लेकिन यही है आपके टॉप रैंकर स्कोर को बनाने के लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी, जो कि आप पूरे NCERT से ही कवर अप कर सकते हैं। सिर्फ NCERT से कवर अप कर लो और आप इन चैप्टर्स में आए हुए क्वेश्चंस में से 80-90% क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, और अगर लक अच्छा हुआ तो 100% क्वेश्चंस भी आपके NCERT में से ही आ जाएंगे इन चैप्टर्स के। ये चैप्टर्स जो है आपको याद करने वाले होते हैं, और JEE भी जो है यानी कि एडवांस भी जो है कई बार डायरेक्ट आपके NCERT से इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। फिर मैथ्स, मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपका स्टैट्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, ट्रिगो और रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये चार चैप्टर्स आपकी NCERT ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, और JEE भी इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स बेसिक इजी क्वेश्चंस ही पूछता है। बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि इसमें आपका मीडियम और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हो, तो ये जो है बेस्ट बेट होते हैं। और मैथ्स का अप्रॉक्सीमेटली 20% पेपर इन चैप्टर से ही सॉल्व कर सकते हैं। केमिस्ट्री का अप्रॉक्सीमेटली 60-70% पेपर आप इसी से ही सॉल्व कर सकते हैं, और फिजिक्स का भी अप्रॉक्सीमेटली 50-70% पेपर आप इसी से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी गोल्डन स्ट्रैटेजी। आपको इसका PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और फिर बने रहिएगा चैनल पे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको और कौन कौन से हेल्पफुल टिप्स के वीडियोस चाहिए, या फिर आपको कोई बुक के रिव्यू चाहिए, हम वो आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।